हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज़ाद मेकओवर्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर आलम खान आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक बिल्डिंग को बनाने में हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि एक बिल्डिंग बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं, या एक बिल्डिंग कितने स्टेप्स से फॉलो होती है, या ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस बताइए। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई सारे ठेकेदार होते हैं जो कई सारे स्टेप्स को नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता है कि बिल्डिंग बनाने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिससे वो अपना मोटा फ़ायदा उठाते हैं और बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वीडियो को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ड्राइंग्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले आपकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो पूरी आपकी पूरी होनी चाहिए, और जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पूरे होने चाहिए। दोस्तों अगर ड्राइंग्स की बात करें, ड्राइंग्स कई तरीके की ड्राइंग्स होती है जो हम बेसिकली अपनी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। कई सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग्स के बारे में नहीं पता होता है, वो नॉर्मली किसी आर्किटेक्ट से बोलते हैं सर हमारी एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर दीजिए, तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उनको सिर्फ दो ड्राइंग देकर या तीन ड्राइंग देकर के उनसे मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं। वो आपको एक सिर्फ एलिवेशन दे देते हैं, एक फ्लोर प्लान दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको एक प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग दे देते हैं, अदरवाइज कोई ड्राइंग आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं। आज़ाद मेकओवर्स आपके लिए लाया है सारी ड्राइंग्स एक ही बार में, जितनी भी ड्राइंग्स आपकी यूज़ होती है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराता है। तो मैं दोस्तों बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी ड्राइंग्स बिल्डिंग में यूज़ होती हैं। दोस्तों सबसे पहली ड्राइंग होती है हमारी लेआउट ड्राइंग। लेआउट ड्राइंग क्या होती है दोस्तों? ये एक मार्किंग, कॉलम की मार्किंग होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कौन कौन से कॉलम कहाँ कहाँ आने हैं और कितने कितने डिस्टेंस पे आने हैं, हमारी बिल्डिंग में कितने कॉलम यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमारी कई सारी ड्राइंग हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फुटिंग की ड्राइंग, कॉलम एंड बीम की ड्राइंग, शटरिंग की ड्राइंग, स्लैब रिइंफोर्समेंट की ड्राइंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, एसी की ड्राइंग, और आपका फायर एंड सेफ्टी की ड्राइंग। ये सारी ड्राइंग क्या होती है हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ भी आप अपनी एक बिल्डिंग बनाना जा रहे हैं तो वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी होती है उससे आपको परमिशन लेना होती है कि हम एक यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, किसकी आप हमें परमिशन दीजिए। और आपको एक वाटर कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है, और आपको एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि एक बिल्डिंग को बनाने हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं या कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों बेसिकली हम किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 से 13 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स दोस्तों कौन कौन से हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्लीनिंग ऑफ द ग्राउंड एंड टेम्परेरी अरेंजमेंट। देन उसके बाद आता है हमारा साइड लेआउट। देन उसके बाद हमारा आता है एक्सक्यूवेशन। उसके बाद हमारा जो हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्टिंग एंड पीसीजी। कॉम्पैक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉर्मल ठेकेदार यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कॉम्पैक्टिंग और एंड पीसीजी के बाद हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं फाउंडेशन रिइंफोर्समेंट एंड कॉलम स्टार्टर बार्स। देन उसके बाद हम क्या करते हैं शटरिंग एंड कंक्रीटिंग वर्क, और उसके बाद हम करते हैं बैकफिलिंग। दोस्तों बैकफिलिंग क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मल ठेकेदार बैकफिलिंग भी नहीं करते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि बैकफिलिंग कैसे होती है और किस मटेरियल से की जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो हमारी इस वीडियो से आप जुड़े रहें। दोस्तों मैं बैकफिलिंग और कॉम्पैक्टिंग दोनों को इस वीडियो में बताऊँगा। देन उसके बाद हम दोस्तों यूज़ करते हैं टाई बीम एंड डीपीसी। डीपीसी क्या होता है, हमारा डैम प्रूफ कोर जो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन इसके बाद हम यूज़ करते हैं कॉलम शटरिंग एंड कॉलम रिइंफोर्समेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्रीटिंग वर्क फॉर द कॉलम, और उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करते हैं शटरिंग वर्क एंड रिइंफोर्समेंट फॉर द स्लैब। इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग वर्क फॉर द स्लैब। ये सारे स्टेप्स हैं जो एक बिल्डिंग को बनाने में हम लोग फॉलो करते हैं। अगर दोस्तों अब हम बात करें क्लीनिंग ऑफ द ग्राउंड एंड टेम्परेरी अरेंजमेंट, तो दोस्तों यहाँ पर जो शब्द है क्लीनिंग ऑफ द ग्राउंड, समझ में आ रहा है? क्लीनिंग ऑफ द ग्राउंड का मतलब होता है साइड को क्लीन करना। ठीक है, जो भी साइड हम स्टार्ट करते हैं, जो भी साइड हम अपने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको क्या कराते हैं, उसको क्लीन कराते हैं। क्योंकि कोई भी हमारा प्लॉट होता है, कोई भी हमारा एरिया होता है, वो पहले से क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, या वहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा कचरा होता है, या उसको वो साइड लेवल में नहीं होती, वहाँ पर कई सारे गड्ढे भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको क्लीन कराते हैं, जो भी वहाँ की वेस्ट मटेरियल है उसको हटवाते हैं, या जो भी आपके गड्ढे वगैरह हैं उसको पटवा के एक लेवल में करते हैं।
देन इसके बाद एक शब्द यूज कर रहे हैं टेम्परेरी अरेंजमेंट। दोस्तों टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या होता है? दोस्तों टेम्परेरी अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होता है जो हम साइट को स्टार्ट करने से पहले करते हैं, कि हमारा स्टोर कहाँ बनाया जाएगा, हमारे इंजीनियर्स के रूम कहाँ होंगे, लेबर रूम कहाँ होंगे, या जो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है हमारा पेंट्री रूम कहाँ होगा, या हमारे फ्रेश रूम कहाँ होंगे, हमारा जितना भी स्क्रैप होगा वो हम कहाँ रखेंगे, ये सारे अरेंजमेंट जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जितने अरेंजमेंट होते हैं, सब ये दोस्तों काहे में आते हैं? टेम्परेरी अरेंजमेंट में आते हैं। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं टेम्परेरी अरेंजमेंट के बाद साइट लेआउट की, दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है दोस्तों? साइट लेआउट। जब हम अपना टेम्परेरी ये सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम कराते हैं साइट का लेआउट, कि हमारी साइट कहाँ से कहाँ तक है और हमारे कॉलम्स वगैरह कितने कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं, यानी कि कॉलम की मार्किंग को हम क्या कहते हैं? साइट लेआउट। दोस्तों तीसरा स्टेप हमारा होता है एक्सक्यूवेशन। एक्सक्यूवेशन क्या होता है? साइट लेआउट करने के बाद हम साइट से जो भी सॉइल को निकालते हैं, जो भी हम एक्सक्यूवेट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्यूवेशन। दोस्तों एक्सक्यूवेशन हमारा क्या होता है? एक्सक्यूवेशन हमारी जितनी भी फुटिंग की जो भी हमारी ड्राइंग होती है, उस फुटिंग से हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? ज़्यादा ही करना पड़ता है, जिससे कि हमारी कभी भी हम कोई भी इसमें कंक्रीटिंग वर्क करें, कुछ भी करें, तो उसमें हमारी सॉइल ऐड ना हो पाए। तो दोस्तों हमारा फोर्थ स्टेप होता है कॉम्पैक्टिंग एंड पीसीसी। मैंने आपको दोस्तों बताया था कॉम्पैक्टिंग क्या है। कॉम्पैक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नॉर्मल ठेकेदार कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, और क्लाइंट को इसकी वजह से अपनी बिल्डिंग में लूजपन छोड़ना पड़ता है या उसकी बिल्डिंग में एक कमी रह जाती है। कॉम्पैक्टिंग दोस्तों क्या होती है? पीसीसी करने से पहले, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट करने से पहले, एक लेयर बिछाते हैं 40 mm और प्लस सैंड की, जिस और 40 mm प्लस सैंड की लेयर बिछाने के बाद उसे हम बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सॉइल और पीसीसी के बीच में एक हमारी लेयर तैयार हो जाती है जो कि मॉइस्चर को आने से रोकती है और हमारी पीसीसी सेफ रहती है। और पीसीसी भी हम किस लिए करते हैं दोस्तों? पीसीसी भी हम इसलिए करते हैं कि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं पीसीसी के ऊपर, उसमें मॉइस्चर ना आए। तो दोस्तों रेनफोर्समेंट को मॉइस्चर से बचाने के लिए हमारी दो लेयर होती हैं, एक होती है हमारी 40 mm की प्लस एक होती है हमारी पीसीसी की। देन उसके बाद दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन रेनफोर्समेंट एंड कॉलम स्टार्टअप बार्स। फाउंडेशन रेनफोर्समेंट क्या होता है दोस्तों? जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम छोटी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, एक दो मंजिल या तीन मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हम बहुत बड़ी फाउंडेशन को भी नहीं देते हैं, वहाँ पर हम छोटी सी एक रेनफोर्समेंट की एक मैट दे देते हैं, यानी कि सरिया की एक मैट प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद हम अपनी कॉलम के स्टार्टर्स बार को खड़ा करते हैं और उसको कंक्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, कि अब बहुत ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग बनानी है हमें, 25 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पर हम कॉलम की पूरी फाउंडेशन की पूरी रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों? वो डिपेंड करता है कि हमारी फाउंडेशन है कौन सी। इंडिविजुअल हम फुटिंग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फाउंडेशन में, या हम स्ट्रैप फुटिंग यूज़ कर रहे हैं, या हमारी कंबाइंड फुटिंग यूज़ हो रही है। हम क्या करते हैं फोर्थ स्टेप में, पूरी की पूरी फाउंडेशन की जो रेनफोर्समेंट है उसे प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कॉलम के स्टार्टर बार्स को खड़ा करते हैं। दोस्तों कॉलम के स्टार्टर बार्स जो हम सब यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टर बार्स क्या होती हैं? स्टार्टर्स बार्स वो बार्स होती हैं जो कि बिल्कुल फुटिंग से हम स्टार्ट करते हैं कॉलम को सीधा रखने के लिए, या कॉलम को आगे कनेक्ट करने के लिए जो भी बार हम स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉलम के स्टार्टर बार्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है शटरिंग एंड कंक्रीटिंग वर्क। हम क्या करते हैं, जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है फाउंडेशन में, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक शटरिंग वर्क करते हैं, जिससे कि हमारी कंक्रीट जो है वो सॉइल में मिक्स ना हो, और उसके बाद हम उसमें शटरिंग वर्क करने के बाद उसमें कंक्रीटिंग वर्क करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बैकफिलिंग। बैकफिलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। बैकफिलिंग में क्या किया, उन्होंने जो भी एक्सकेवेट किया, मिट्टी जो भी उन्होंने निकाली, उसको क्या करते हैं? वापस उसी में डाल देते हैं, और वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी हमने निकाली है, एक्सकेवेट की है, हम उसको यूज़ ना करके अगर हम वहाँ पर सैंड यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। क्यों सर बेस्ट क्यों रहती है? इसका भी रीज़न है कि भाई सॉइल हमारी है, सॉइल बेस्ट क्यों नहीं? सॉइल इसलिए बेस्ट नहीं है, वो सॉइल के कंपैरिजन में जो सैंड होती है वो ज़्यादा और जल्दी कॉम्पैक्ट हो जाती है, और वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर कर लेती है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टाइबीम एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है टाइबीम एंड डीपीसी। दोस्तों टाइबीम सभी लोग जानते हैं कि टाइबीम क्या होता है, जो हमारे कॉलम्स जो हमारा कॉलम आता है, जो भी हमारा ग्राउंड लेवल से उठ करके जो हमारा लेवल होता है हमारी बिल्डिंग का, जो भी लेवल होता है जिसे हम फ्लोर लेवल बोलते हैं। दोस्तों फ्लोर लेवल से कुछ पहले हम एक बीम प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे सारे कॉलम को हैंग करके रखता है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी लोड आता है हमारी बिल्डिंग पे तो वो क्या करता है, वो टाई बीम के जरिए सारा का सारा लोड जो है वो सारे के सारे कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन टाई बीम के बाद हम कुछ ही कुछ फिट ऊपर, यानी कि आधा फिट या एक फिट ऊपर होने के बाद, वो डिपेंड करता है साइट के प्लान पर, साइट की लोकेशन पे कि कितना हमें ऊपर जाना है। मैक्सिमम क्या होता है, प्लिंथ बीम से हम लोग एक फिट ऊपर डीपीसी करते हैं। डीपीसी क्या होती है, डैम प्रूफ कोर होती है। ये भी डीपीसी एक सीमेंट एंड सैंड का एक मिक्सर होती है। ये किस लिए प्रोवाइड कराती है दोस्तों, ये भी इसीलिए प्रोवाइड कराती है कि जो भी सीलन अब नीचे से आ रही है वो हमारे ऊपर तक ना आ पाए, यानी कि हमारे फ्लोर को ऊपर ना आ पाए, जिससे कि हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान हो। देन दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं अपने कॉलम शटरिंग एंड कॉलम रेनफोर्समेंट की। हम क्या प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कॉलम की शटरिंग, कॉलम की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी शटरिंग वर्क करते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्रीटिंग वर्क। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पूरे जो हमने शटरिंग वर्क किया है और जो रेनफोर्समेंट की है, उसके बाद हम कॉलम की कंक्रीटिंग वर्क करते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि शटरिंग ऑफ द स्लैब एंड रेनफोर्समेंट ऑफ द स्लैब। ये पूरी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट होता है शटरिंग ऑफ द स्लैब, यानी कि स्लैब की शटरिंग जो होती है वो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है अपने स्लैब से जानी जाती है और अपने स्लैब के अकॉर्डिंग ही जानी जाती है। अगर स्लैब की शटरिंग आपकी ख़राब है और या उसका लेवल सही नहीं है या उसमें और ज़्यादा कोई दिक्कत है, तो आपका पूरा का पूरा मकान जो है नीचे से बेकार दिखाई देगा। उसकी लेवल ना होने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए शटरिंग का लेवल ख़राब है तो आपको उसके नीचे क्या कराना पड़ेगा, जो भी आपके गड्ढे हैं उसको फिल कराना पड़ेगा। किस चीज़ से फिल कराएंगे, चाहे आप पीओपी कराएं चाहे फॉल सीलिंग कराएं, ये सारी चीज़ें आपको कराना पड़ती है। और नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कंक्रीटिंग वर्क। जब आपका शटरिंग वर्क होने के बाद अपनी कॉलम शटरिंग वर्क होने आपकी शटरिंग वर्क होने के बाद जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, देन इस प्रोसेस के होने के बाद एक फाइनल स्टेप आपका फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है आपका कंक्रीटिंग वर्क फॉर द कॉलम, सॉरी कंक्रीटिंग वर्क फॉर द स्लैब, यानी कि स्लैब की कास्टिंग। इन सारे स्टेप्स के बाद, ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके एक बिल्डिंग को बनाने में फॉलो किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बिल्डिंग को बनाने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक करना ना भूलें। मैं इंजीनियर आलम खान आपके लिए और बहुत सारी वीडियो जो कि आपके लाइफ को इजी और फ्री बना सकती है लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल आज़ाद मेकओवर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।